हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, आप भी रेडी हो जाइए। 53 क्वेश्चनों का सीरीज है आज का। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस कभी कोई कठिन कोई सरल ऐसे होता है, बट आप कठिन क्वेश्चंस देख करके भाग जाते हैं या आपको रिटेन महसूस होता है या आपको उबन महसूस होता है, तो इससे सफलता नहीं मिलने वाली है। कम्फर्ट जोन को त्यागिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना डीपली पूछा जा रहा है कि आप ऊपर ऊपर से चाहेंगे कि हम पढ़ के चले जाएं और सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। कठिन क्वेश्चंस जरूर होते हैं, मैं जो प्रैक्टिस करा रही हूँ, बट इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आए थे आपके एमपी टेट में, या आपका 100% एग्जाम्पल है, सामने ही है। तो आप ये मत सोचिए कि ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आप पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा कोई पढ़ के स्टडी करके बैठा हुआ है सभी चीज़ों को, एंड उससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप उसको बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हार मत मानिए, क्योंकि हार मानेंगे तो और पीछे ही जाएंगे, अगर हार नहीं मानेंगे तो एक कदम आगे ही जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है ये सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है। कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरली डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पे आप पढ़िए। एक दिन में ही सब कुछ नहीं पाया जा सकता, इसलिए डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आप सोचेंगे कि परीक्षा का दिन आ गया, अभी हम पढ़ लें, जी जान लगा दें, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। पहले से ही आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी आपको भला होने वाला है, ठीक है। आपके सरकार की नीति जान ही रहे हैं, कितने समय में वैकेंसी निकालती है और कितना समय लगाती है एक वैकेंसी पूरा करने में, उसमें भी आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, मौका गंवा देंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, अदर हिस्ट्री की TGT PGT हो, चाहे MP टेट हो, MP सुपर टेट हो, चाहे KVS NVS हो, NVS का विज्ञापन जल्द ही निकलने वाला है, तो दोस्तों रेडी हो जाइए मेरे साथ, डेली बेस पे बने रहिए, आपका जरूर क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चंस हैं कि मानव अभिवृद्धि में से किन कारकों पर निर्भर होती है। तो जो मानव अभिवृद्धि होती है किन कारकों पर निर्भर होती है, यहाँ पे ऑप्शन है अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के न्यासर्ग। तो दोस्तों, ये तीनों फैक्टर जो है मानव अभिवृद्धि को प्रभावित करती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अनर्जित व्यवहार के दिखाई देने से पहले प्राणी में निम्न में से क्या सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, परिपक्वता मैच्योरिटी सबसे अधिक होता है। जैसे कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा जो है साइकिल किसकी कमी से नहीं चला पाता, तो वह परिपक्वता की कमी से। एक छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा है, क्या उसको आप 20 किलो वजन दे सकते हैं? नहीं, परिपक्वता अवस्था आने के बाद उसको दे सकते हैं, क्योंकि उस अवस्था में आप देंगे तो उसको गलत इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है। तो दोस्तों, आकार और आकृति में बढ़ना जहां भी आ जाए वहां वृद्धि यानी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और विकास जो है सतत परिवर्तन होता रहता है, वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होता है, आकार आकृति संरचना में परिवर्तन होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, अभिवृद्धि। नेक्स्ट है, एडिसन रोग निम्न में से किस ग्रंथि के स्त्राव की कमी से होता है। तो दोस्तों, एडिसन रोग अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनलिन की कमी से होता है। एड्रिनल ग्रंथि के निकलने वाले हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से होता है। तो दोस्तों, एड्रिनलिन हार्मोन जो है इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि खनिज व जल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण हो जाता है, और रक्त दाब कम हो जाता है, रुधिर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, त्वचा का रंग कांस्य वर्ण का हो जाता है, और
जैसे पेशिया, जिगर व मस्तिष्क कमजोर और उपापचय दर यानी कि बीएमआर और शरीर ताप घट जाता है, भूख की कमी होती है, मितली आती है, घबराहट आती है, जैसे हाथ, गर्दन, कभी कभी अन्य भागों की त्वचा में मिलेरिन के कारण अजीब सा कांस्य वड़ हो जाता है, ठंडी, गर्मी, संक्रमण आदि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और रोगी कुछ ही दिनों में मर जाता है। एडिनल कॉर्टेक्स नष्ट होने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका कारण दोस्तों मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसी कारण इस हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन यानी लाइफ सर्विंग हार्मोन कहा जाता है। तो दोस्तों डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, बस मैं इसी तरह क्वेश्चंस को आपको डीपली कराती रहूंगी और आप टेंशन न लीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जरूर सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रंथि का संवेगात्मक परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्व होता है? तो वो होता है अधिभृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, जो किडनी के दोनों किडनी के ऊपर होता है। तो इसको संवेगात्मक क्यों? क्योंकि इसको लड़ो या उड़ो या जीवन रक्षक दोनों हार्मोन कहा जाता है। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अतः मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है एड्रेनलिन हार्मोन। जैसे क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर तथा भूख लगने पर यह बढ़ जाता है, जिसके कारण दाब भी बढ़ जाता है, परंतु अंतरंगों की क्रिया विधि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि का स्त्राव थायरॉक्सिन कहलाता है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से। इसको हम गल भी बोलते हैं क्योंकि यह फेरिंग्स यानी गले पे होता है, ठीक है, यह गले के पश्च सतह पर होता है थायराइड ग्रंथि, गले पे एच आकार की होती है, ठीक है, गुलाबी एच आकार की। और यह क्या करता है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन जो होता है, सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं को गति को नियंत्रित व ऑक्सीकृत प्रक्रियाओं की गति को तीव्र करता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आए कि सभी प्रकार के उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि न दिया रहे थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। और यह आंत्र में ग्लूकोज के अवशोषण, कोशिकाओं में ग्लूकोज की पूर्ति, बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आधारित उपापचय दर, हृदय स्पंदन दर, प्रोटीन संश्लेषण की गति एवं शरीर के ताप आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में चयापचय करती है? दोस्तों तुरंत मैं भी बताई हूं आपको कि चयापचय मानव शरीर की सभी चयापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है गल यानी कि थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, चिंतन में निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी शामिल है? चिंतन यानी बुद्धि लगाना, तर्क लगाना, इसमें शामिल होता है। हम संश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अमूर्तकरण करते हैं, ठोस चीजों में गुप्त से गुप्त यानी मुख्य मुख्य सूक्ष्मतम बिंदु को देखते हैं, तर्क लगाते हैं, ये सभी चीजें आपका आ जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, चिंतन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल है? तो दोस्तों चिंतन में हम तर्क लगाते हैं तो हमारे अंतर्दृष्टि अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, सोचते हैं, पूर्व दृष्टि यानी उससे पहले की दृष्टि या पश्चात दृष्टि, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ सोचते हैं, यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? दोस्तों तो चिंतन, बुद्धि लगा रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ी पहचान है समस्या समाधान, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री के में पिता के प्रति निम्न में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड का कहना था कि जो पुत्री होती है वह पिता के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और जो पुत्र होता है माता के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो पुत्री में पिता के प्रति इलेक्ट्रा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है, जबकि पुत्र में माता के प्रति ईडिपस मानसिक ग्रंथि पाई जाती है।
नेक्स्ट है सिगमंड फायर के अनुसार पुत्र में माता के प्रति निम्न में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो पुत्र में माता के प्रति ईडिपस मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक की स्वामी भक्ति निम्न में से किसके प्रति अधिक होती है दोस्तों? तो बाल्यावस्था को गैंग एज, स्टोली एज, समूह एज भी बोला जाता है, इसलिए यह समूह के प्रति अधिक स्वामी भक्ति इसकी होती है। नेक्स्ट है नेतृत्व में गुणों का सर्वाधिक विकास निम्न में से किस अवस्था में दिखलाई पड़ता है? तो वह दिखलाई पड़ता है बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाती है नेतृत्व के गुण। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण में निम्न में किस तरह की वैधता की जरूरत सबसे अधिक होती है? तो इसमें होता है अंतर विषय वैधता, अंतर विषय वैधता। नेक्स्ट है किस परीक्षण में अंतर विषय वैधता हो, इसके लिए क्या अन्य बातों के अलावा निम्न में से किसकी जरूरत अधिक होती है? तो इसमें एकांश वैधता एंड प्रतिदर्श दोनों की जरूरत होती है, आपका दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी परीक्षा की वैधता ज्ञात करने के लिए पहले से कोई उपलब्ध है, वैसे ही परीक्षण को एक स्वतंत्र कसौटी के रूप में चयन किया जाता है, तो इस तरह की वैधता को क्या कहा जाता है? तो इसको समवर्ती वैधता कहा जाता है। ठीक है, पहले से कोई उपलब्ध उसी तरह का परीक्षण है और एक नया हम परीक्षण कर रहे हैं, दोनों को मिलाएंगे, इसको समवर्ती वैधता कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों टेस्ट एंड मेजरमेंट में मैंने बताया है कि परीक्षण के मूल्यांकन की कसौटी यानी कि क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट के लिए तीन चीजें होना आवश्यक है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता, प्रशासनिक व्यवहारिकता एंड शैक्षिक प्रयोग। वैज्ञानिक प्रमाणिकता के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होना आवश्यक है। सबसे पहले वैधता देखा जाता है कि वो परीक्षण जिस लिए बनाया गया है, जिस चीज को मापने के लिए कहा वही चीज माप रहा है, अगर माप रहा है तो वैध होगा। एंड विश्वसनीयता, जो रिलायबिलिटी होता है कि एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर कई बार टेस्ट किया जाता है, हर बार उसका परिणाम एक जैसे आए तो माना जाता है कि वो रिलेबल है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी, कि कई सारे जो है उसमें परफॉर्मर यानी कि उसके विशेषज्ञ को रखा जाता है उसको टेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, और सभी विशेषज्ञ एक ही परिणाम बताते हैं तो माना जाता है कि वह परीक्षण जो है वस्तुनिष्ठ है। तो यहाँ पे आपका जो है जो वैधता होता है कई प्रकार का होता है, जैसे कि प्रतिरूप वैधता, फेस वैलिडिटी, विषय वस्तु वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, निर्माण वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, मापदंड वैधता, क्राइटेरियन वैलिडिटी, स्तर प्रमाणिकता, स्टेटस वैलिडिटी, समकालीन वैधता, कंकरेंट वैलिडिटी। तो दोस्तों यही आपका समवर्ती वैधता जो आपने बताया कि पहले से उपलब्ध है और जो नया चयन है उसका, दोनों तरह की वैधता को मिलाते हैं तो समवर्ती वैधता कहलाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष या सतही वैधता से क्या तात्पर्य है? तो प्रत्यक्ष या सतही वैधता से तात्पर्य है कि किसी परीक्षण को कहा जाता है, परीक्षण के उस गुण को कहा जाता है जिससे एक सरसरी निगाह में यह पता चलता है कि परीक्षण क्या मापते दिखाता है। तो उसे प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देना, क्या माप रहा है वही आपका प्रत्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोमितिक विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यदि एक ही परीक्षण का समवर्ती वैधता तथा भविष्यवाणी वैधता दोनों ही ज्ञात किया जाए तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो भविष्य वैधता होगी वह समवर्ती वैधता से हमेशा कम होगा, क्योंकि भविष्य वैधता जो होगी वो अनुमान पर आधारित होगी, तो अनुमान पर आधारित निश्चित नहीं होता है कि वो हमेशा ज्यादा होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वैधता परिकलन सबसे कठिन है? तो कौन सी वैधता परिकलन सबसे कठिन है? तो रचनात्मक वैधता जो है वो सबसे कठिन होता है। एंड नेक्स्ट है कौन सी वैधता परिकलन आसान है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष वैधता जो है सबसे आसान होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसको देखना होता है बस। ठीक है, कठिन है रचनात्मक वैधता और सरल है सबसे प्रत्यक्ष वैधता। नेक्स्ट है यदि किसी परीक्षण तथा वाह्य कसौटी में निम्न संबंध है तो उससे हमेशा यह अर्थ निकलता है कि, क्या अर्थ निकलता है कि परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है।
नेक्स्ट है शोध अध्ययन हेतु परिकल्पना का प्रतिमान प्रतिपादन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा, यानी कि एक और तीन, यानी कि एक और तीन आपका राइट हो जाएगा घ। कहा है कि समस्या के कथन को उसके समाधान हेतु एक से अधिक परिकल्पना का प्रतिरूप का प्रतिपादन होता है। शोध, शोध भी आप तो यही करते हैं, समस्या का कोई समस्या होता है उसका समाधान करते हैं, उसके लिए एक से अधिक परिकल्पना करते हैं, ठीक है। एंड गा है कि समस्या के कथन के उसके समाधान हेतु सभी समस्याओं में परिकल्पना का प्रतिपादन अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ये दोनों राइट है। नेक्स्ट है पुरस्कार से अध्ययन उपलब्धि में वृद्धि होती है, ठीक है। पुरस्कार में अध्ययन उपलब्धि में वृद्धि होती है, इसे हम कहते हैं दिशा युक्त परिकल्पना। अगर वृद्धि हो रही है तो दिशा युक्त परिकल्पना। नेक्स्ट है पुरस्कार का अध्ययन उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे यह प्रकलन की किस श्रेणी में आता है, तो दिशा विहीन। यदि पुरस्कार से अध्ययन उपलब्धि में वृद्धि होती है दिशा युक्त परिकल्पना है, यदि पुरस्कार के अध्ययन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो दिशा विहीन परिकल्पना है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी जो होता है गर्म करने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है नल परिणाम क्या है, नल परिणाम क्या है, तो नल परिणाम जो है वह स्वतंत्र चर के परिवर्तन के अनुरूप आश्रित चर में परिवर्तन न होना है। दोस्तों यह स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से क्वेश्चन है, सांख्यिकी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी समय मिलने पर, क्योंकि सांख्यिकी से ज्यादा क्वेश्चन टीजीटी यानी कि माध्यमिक नहीं पूछता है, उच्च माध्यमिक यानी कि पीजीटी वगैरह में ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट है नियंत्रित चर का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों नियंत्रित चर का दूसरा नाम है बहिरंग चर। क्या नाम है, बहिरंग चर। नेक्स्ट है नियंत्रित चर कंट्रोलेड वेरिएबल एक तरह का क्या है, तो नियंत्रित चर कंट्रोलेड वेरिएबल एक तरह का संभाव्य स्वतंत्र चर प्रोसेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है व्यक्ति की आयु को आप निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे, तो व्यक्ति की आयु को प्रयोज्य संगत चर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है परिवार में सदस्यों की संख्या एक उदाहरण है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या जो है असतत चर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कोटा प्रतिदर्श एक तरह का क्या है, दोस्तों कोटा प्रतिदर्श जो है असंभावित प्रतिदर्श है, ठीक है। नेक्स्ट है जब कोई प्रयोगकर्ता नल प्रकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस से सही रहते हुए भी उसे अस्वीकृत कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रयोगकर्ता टाइप वन त्रुटि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, टाइप वन त्रुटि। नेक्स्ट है समदृष्टि अंतराल विधि में प्रत्येक एकांश का एक मापनी मूल्य निकाला जाता है, जो वितरण का क्या होता है, जो वितरण का माध्यिका यानी कि मीडियन होता है, माध्यिका यानी कि मीडियन होता है। नेक्स्ट है समदृष्टि अंतराल विधि से तैयार मापनी में कथनों की संख्या समानता होती है तो 20 से 22 होती है, कितना होता है 20 से 22 होती है। नेक्स्ट है घर पर सिखलाने वाले दास अनुशिक्षक क्या कहे जाते थे एथेंस काल में, तो पेड्रो ड्राइव्स। क्या कहे जाते थे, पेड्रो ड्राइव्स नहीं दोस्तों, यहाँ पे कहे जाते थे पेडागॉग, ठीक है, पेडागॉग कहे जाते थे। नेक्स्ट है पेलेस्ट्रा का निर्माण किस लिए हुआ था, तो दोस्तों एथेंस काल में व्यायामशाला को पेलेस्ट्रा कहा जाता था। नेक्स्ट है एथेंस में कैडेट कोर छात्र सेना के रूप में होने वाले लड़के को क्या कहलाते थे, तो इसको कहा जाता था एफी बॉय। क्या, एफी बॉय। नेक्स्ट है लोक व्यायामशाला लेजियम का संबंध किससे था, तो लेजियम का स्थापना किया था अरस्तु ने। नेक्स्ट है गेंद के शिक्षक को जो पेड्रो ड्राइव्स के संस्थानों के अधीन कार्य करते थे उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था
स्फेरिस्टिस, क्या बोला जाता था? स्फेरिस्टिस। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या के शिक्षक को क्या कहते थे दोस्तों? तो प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या के शिक्षक को टेक्सोटोज बोला जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में अंगमर्दक यानी कि मसाजर को क्या कहते थे? जो मसाज करने वाला होता था अंगमर्दक, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो उसको एलाइप्टे बोला जाता था, एलाइप्टे। ठीक है, नेक्स्ट है, मड बाथ यानी कीचड़ स्नान कहाँ लोकप्रिय था दोस्तों? तो पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस काल में यह प्रचलित था, मड बाथ यानी कि कीचड़ स्नान। एक होता है थर्म फार बाथ, वो होता है आपका रोम काल में, तो दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एथलीट का पैर यानी एक संक्रामक रोग जिससे पैर विशेष रूप से पदांगुलियों के बीच का भाग प्रभावित होता है, किसका कारण है दोस्तों? हाथी पाव एथलीट पैर भी बोलते हैं, यह फंगल डिजीज है यानी कि फंगल यानी कवक से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है, सीन स्प्लिंट होता है, तो दोस्तों सीन स्प्लिंट जो है पैर के निचले भाग में होता है, पैर के निचले भाग में जो दर्द होता है उसे कहते हैं सीन स्प्लिंट। ठीक है, नेक्स्ट है, किडनी में कठोर उत्तक यानी हार्ड टिश्यू कौन है? तो स्नायु यानी स्पाइनल कॉर्ड, कार्टिलेज, पेशी, अस्थि। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, राइट आंसर आपने टिक कर दिया होगा, अस्थि यानी कि बोन जो है वो कठोर टिश्यू यानी हार्ड टिश्यू है। एंड उसके अलावा लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, स्पाइनल कॉर्ड, ये सॉफ्ट टिश्यू है। नेक्स्ट है, सोना बाथ यानी वाष्प स्नान की अवधि आरंभ में कितनी होनी चाहिए? तो वाष्प स्नान यानी सोना बाथ की अवधि प्रारंभ में 5 से 10 मिनट होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे से उसमें बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, पर्वतारोही व्यक्तियों के भोजन में सर्वाधिक आवश्यकता निम्न में से किसकी होती है? तो आपको पता है पर्वतारोही इंड्योरेंस डेवलप करता है, कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को डेवलप करता है। तो जितने भी इंड्योरेंस वाले चीजें हैं, ज्यादा मेहनत वाली चीजें हैं और ज्यादा समय तक बरकरार रखने वाली चीजें हैं, उसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे जल्दी ऊर्जा मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, जैसा कि आपको पता है कि वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है, 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से 4.1 कैलोरी मिलता है। तो वसा से ज्यादा मिलता है फिर भी यूज होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वसा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने में बहुत समय लग जाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है, दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4% ओनली होती है। दूध में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है एंड अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ओनली 4% होता है। नेक्स्ट है, निम्न से कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा किसमें होती है? दोस्तों जो ऑप्शन दिया है, चावल, शहद, चना, गुड़, तो सबसे ज्यादा स्टार्च तो गेहूं में पाया जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में गुड़ है तो गुड़ यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से करीब निम्न ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एंड 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ओबेसिटी नामक बीमारी निम्न में से किसकी अधिक मात्रा लेने से होती है? ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वसा की अधिक मात्रा लेने से होता है, यानी कि वसा हमारे शरीर में अधिक जमा हो जाती है इसलिए मोटापा होता है। नेक्स्ट है, शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है दोस्तों? तो वसा से होती है, लेकिन हम लेते क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है बट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में 53 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे।
टफ क्वेश्चन जरूर है, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पास कराने वाले हैं। दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, और कंसिस्टेंसी रूप से डेली बेसिस पे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।